चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऑक्सफैम रिपोर्ट। आइए देखते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का शीर्षक टाइम टू केयर है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है और इस महामारी ने 1930 की आर्थिक मंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी पैदा किया है। रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में विश्व में 6वें स्थान पर है। भारत से पहले अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस आते हैं। भारतीय अरबपतियों की संपत्ति लॉकडाउन के समय 35% तक बढ़ी है। भारत के प्रमुख 11 अरबपतियों की संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी हुई है जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय और मनरेगा का एक दशक का बजट हम प्राप्त कर सकते हैं। मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से शीर्ष 100 अरबपतियों की संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है उससे 138 मिलियन भारतीयों में से प्रत्येक को लगभग 94,000 रुपए दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण गहरी असमानताएं उजागर हुई है, जहां अमीर लोग सभी तरह के बुरे प्रभावों से बच गए लेकिन गरीबों को भुखमरी, मौत और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरे। महामारी के दौरान उन्होंने प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए, जबकि 24% भारतीय ऐसे थे जिन्होंने प्रति माह सिर्फ 3,000 रुपए ही कमाए। मुकेश अंबानी ने इस दौरान जो कमाई की उससे 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जिसमें संपत्ति कर और कोविड-19 उपकर को प्रभावित करने की बात की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति कर को एक बार फिर से लागू कर देना चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के बुरे प्रभाव से बाहर करने के लिए 10 लाख से अधिक कर योग्य आय पर 4% का एक मुश्त कोविड-19 उपकर लिया जाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार 954 भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर अगर संपत्ति कर लगाया जाए तो वो भारतीय जीडीपी का 1% होगा। इस रिपोर्ट में शैक्षिक, लैंगिक और स्वास्थ्य सहित विभिन्न प्रकार की असमानताएं गहराई से चित्रित की गई है, जिससे साफ पता चलता है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक रूप से हाथ धोने और दूरी बनाए रखने की सुविधाएं असंभव थी। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में टॉप 20% के 93.4 की तुलना में सबसे गरीब 20% में से केवल 6% के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थी। भारत की 59.6% आबादी एक कमरे या उससे छोटे घर में रहती है। ऐसे में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो आवश्यक प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो कर पाना संभव नहीं था। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी सेवाएं देने का प्रयास किया, जिसमें आयुष्मान भारत पीएम जय के तहत काफी सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही मिल पाई, जिससे गरीब और मध्य वर्ग वंचित रह गए। इस रिपोर्ट में शिक्षा के बारे में कहा गया है कि अक्टूबर तक स्कूलों के बंद रहने से 32 करोड़ छात्र प्रभावित होंगे, जिनमें से 84% ग्रामीण इलाकों से आते हैं और 70% छात्र सरकारी स्कूलों से आते हैं। ऑक्सफॉर्म इंडिया ने 5 भारतीय राज्यों में अपना सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया है कि लगभग 40% शिक्षकों ने यह आशंका जताई है कि जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो 1/3 छात्र वापस आएंगे ही नहीं। दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक होगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जल्दी और जबरन शादी, हिंसा और प्रारंभिक गर्भधारण के कारण लड़कियों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रिपोर्ट में महिलाओं की बेरोजगारी के बारे में भी बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है
कि महिलाओं की बेरोजगारी 18% के पूर्ण लॉकडाउन स्तर से 15% तक बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी GDP को 8% का नुकसान हुआ है। महिला एक दिन में 3.26 अरब घंटे बिना किसी पैसे के केयर का कार्य करती है। इस तरह के काम का योगदान भारतीय इकोनॉमी में करीब 19 लाख करोड़ रुपए का है। यह रकम भारतीय शिक्षा बजट का करीब 20 गुना है। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, ऑक्सफैम रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प ए येले, विकल्प बी हार्वर्ड, विकल्प सी ऑक्सफोर्ड, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।